वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब फिजिक्स हम लोग इंटर करेंगे आज के लेक्चर में, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखेंगे। अब देखो क्या है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी डेटा बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर समान है, कांस्टेंट है, या फिर यूनिफॉर्म है, यही ना। तो उसको कैसे बता सकते हैं, सारे नियम हम लोगों ने कल पढ़ लिया है, ठीक है। और कर्व वाले में ये देखना है, अगर कर्व वाला ग्राफ आ जाए तो उसको हम लोग टेंजेंट खींचकर यानी स्पर्श रेखा खींचकर एंगल बनाते हैं, और अगर एंगल बढ़ रहा है पहले के मुकाबले तो समझ जाना कि ग्राफ भी क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर वो एंगल घटेगा तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ग्राफ, है ना, टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑफ मोशन, है ना। हेडिंग डालो। अब इसमें क्या है समझना इस बात को, इसको हम लोग तीन भागों में बांट दिए हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एसटी ग्राफ, क्या एसटी ग्राफ, या फिर एक्सटी ग्राफ, या फिर एक्सटी ग्राफ, क्लियर। दूसरे को हम लोग बोलेंगे वीटी ग्राफ, क्या वीटी ग्राफ, और तीसरे का नाम है हम लोग दिए हुए हैं एटी ग्राफ। ध्यान देना इस बात को। अब ये एसटी वीटी एटी क्या है, एसटी मतलब हो जाएगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, और टी से टाइम, उसका ग्राफ। दूसरा है वीटी ग्राफ, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, क्लियर। और तीसरा क्या है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी रफ्तार बढ़े या फिर घटे, नहीं एक्सेलरेशन का मतलब ये और रिटार्ड, क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है, एसटी ग्राफ में क्या आएगा आपका, अगर मैं ग्राफ को देखूँ तो टाइम नीचे, इधर आपका एक्स हो जाए या फिर एस हो जाए, दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। और ये मीटर में मेजरमेंट होता है, ठीक है, और ये तुम्हारा सेकेंड में, क्लियर है। वीटी ग्राफ में क्या हो जाएगा बाबू बताओ, इधर टाइम, इधर तुम्हारा क्या वी, और ये तुम्हारा किस में होता है, मीटर पर सेकेंड, यू नो टाइम इज ऑलवेज सेकेंड फिजिक्स में, तो एम की अगर सेवन फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं तो क्या होता है बताओ, हाँ ये रिवीजन के लिए मैंने बोल दिया आपको। और एटी ग्राफ, एटी ग्राफ में क्या आ जाएगा, ए और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। टाइम इज ऑलवेज लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हमेशा ये सूता हुआ लाइन पर टाइम को रखना है, ये नहीं कि टाइम ऊपर कर देना, ग्राफ ही पलट जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर टाइम उधर कर दिए, वी नीचे कर दिए, तो ग्राफ फिर परेशानी हो जाएगी। टाइम इज ऑलवेज लाइज ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। नोट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर योर नॉलेज कि टाइम इज ऑलवेज लाई ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अब इसको हटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चल। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे इन सारे ग्राफ को हम लोग तीन भागों में कर रहे हैं, एस टी वी टी और ए टी। क्यों आखिर ये तीन को नाम दिया गया है बताओ, तीन क्यों नाम दिया गया है एस टी वी टी ए टी, क्योंकि अगर हम मोशन को स्टडी करें यानी गति को स्टडी करें फिजिक्स में, तो यही सब चीज़ें आते हैं, या तो पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर रफ्तार यानी वेलोसिटी होगा, या फिर रफ्तार बढ़ेगा या फिर घटेगा, दैट्स वे ए टी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एनालाइज द ग्राफ, हेडिंग डालेंगे एनालाइज द ग्राफ, ग्राफ को समझो, है ना, हिंदी यही होगा इसका, एनालाइज द ग्राफ। अब इस बारीकी से समझना इस बात को कैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है, क्या है वो, रुका हुआ है, जैसे अभी हम रुके हुए हैं, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, मोशन तो कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे इस बात को, पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडी एट बताओ, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी बोल सकते हैं ना, ठीक है, रुका हुआ है अभी वो, स्थिर है, तो ऐसे स्थिति में
एसटी या फिर एक्सटी में कैसा बनेगा ग्राफ, वीटी में कैसा बनेगा ग्राफ और एटी में कैसा ग्राफ बनेगा। ध्यान देखना यहाँ पे, ध्यान देना, छोटा छोटा बनाएंगे समझने के लिए। पहला क्या बनाओगे बताओ, एक्सटी है ना, या फिर एस लिखो या फिर एक्स लिखो, लिख लेना जो भी तुम्हारी इच्छा हो। क्लियर है? इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन या फिर इधर क्या तुम्हारा हो गया, टाइम हो गया है। क्लियर है? दूसरा क्या बनेगा बताओ, वी टी ग्राफ, वी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, वेलोसिटी, इधर टाइम आपका। तीसरा क्या आपका, एटी, एटी ग्राफ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, अब तीनों ग्राफ एक दूसरे को इक्वल होगा। देखना ध्यान देना कैसे कैसे, पहला अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो कैसे दिखाएंगे, बस सीधा लाइन खींच देंगे। क्या सीधा लाइन खींच दिए, इससे क्या पता चला, अगर मैं पीछे करूँ इसको, ध्यान दो इसको मैं स्टडी करवा रहा हूँ आपको, समझना यहाँ पे, थोड़ा सा पीछे कर दूँ तो यहाँ पे देखो तो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये तो रुका हुआ है ना, यानी इससे क्या पता चला, ये स्थिर है। क्या है ये? स्थिर है, रुका हुआ है। अब इसी चीज़ को इक्वल है किसके, वी टी में कैसे बताएंगे, एक्स टी में तो बता दिए, वी टी में नहीं। यहाँ पे तुमको कहाँ पर रखना पड़ेगा बताओ, लाइन को यहाँ रखें, अगर हम यहाँ रख देंगे सपोज, तो टाइम बढ़ रहा है और रफ्तार तुम्हारा कुछ रहा होगा 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं रुका हुआ चीज़ का, यहाँ पे रफ्तार तुम दिखा रहे हो, ये तो होगा नहीं, तो कहाँ पे होगा, इसी लाइन पे आ जाएगा। किस पे? क्यों? देखो देखो ध्यान ध्यान देना, टाइम बढ़ा रहे हो और रफ्तार बढ़ा ही नहीं, जीरो के जीरो है। देखो तो स्थिर स्थिर को दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पे रेस्ट को दिखा रहा है कि नहीं। क्लियर है यहाँ पे? और समझ में आई ये चीज़? एटी में भी क्या हो जाएगा बताओ, सेम। अरे क्लियर है इस बात का, टाइम बढ़ा रहे और रफ्तार बढ़ा ही नहीं, जीरो का जीरो हो गया। तो स्थिर को अगर दिखाना है, कोई वस्तु स्थिर है, तो एक्स टी में हम लोग ऐसे दिखाएंगे, वी टी में यहीं पे आ जाएगा, एटी में भी। यहाँ तक क्लियर है? तीनों ग्राफ एक दूसरे का क्या है, बराबर है। क्लियर है? चलो उतार लेते हैं। दूसरा बात क्या आएगा बताओ, कोई भी वस्तु अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, अगर 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो 10 मीटर, सेम ही रफ्तार में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर रफ्तार में चेंजेस नहीं आ रहा है तो उसमें एक्स टी में कैसा बनेगा ग्राफ, वी टी में कैसा बनेगा और एटी में कैसा आएगा। तीसरा कंडीशन क्या आएगा, कोई रफ्तार बढ़ा रहा है यानी एक्सेलरेट कर रहा है, 4 कंडीशन होंगे, पहला तो रुका हुआ, फिर क्या हो जाएगा, समान रफ्तार, रफ्तार सेम है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, दूसरा केस हो गया, तो उसमें एक्स टी वी टी ए टी का क्या होगा। तीसरा केस क्या है आपका बताओ, तीसरा केस अगर रफ्तार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फिर एक्स टी में यानी एक्सेलरेट कर दिए, बाइक एक्सेलरेट कर दिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, या फिर ट्रेन चलना शुरू कर दिया, तो एक्स टी में कैसा बनेगा, वी टी में कैसा बनेगा और चौथा केस क्या होगा, अगर रफ्तार घटने लगे, ब्रेक मार दिए, तो फिर कैसा होगा, तो एक्स टी में कैसा होगा, वी टी में कैसा होगा और अब समझ में आ रहा, पढ़ाने का मतलब समझ रहे हो ना। क्लियर है? चलो उतार लो इसको। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला कंसेप्ट को क्या समझा, कि कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम में उसका कैसा ग्राफ दिखेगा। कन्फ्यूज़ नहीं करना है, आप लोग भी कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, क्योंकि एक ही तरह का दिखने वाला आएगा, लेकिन ध्यान देना है कि एस टी कौन है, वी टी कौन है और ए टी कौन है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हुआ, पहला केस तो क्या रुका हुआ है, दूसरा ये हो सकता है कि कोई चीज़ जा रहा है एकदम समान रफ्तार से, समान स्पीड से, एकदम रफ्तार पकड़ा हुआ है एकदम कॉन्स्टेंट, यानी हाईवे पर गए पूरा गाड़ी खोले हुए हैं, एकदम एक्सेलरेटर पूरा दे दिए, तो क्या हो जाएगा बता, कि रफ्तार क्या हो जाएगा एकदम सेम, तो उस तरह के केस में कैसा बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेन बॉडी एट यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मोशन। ठीक है, सिंपली
इधर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, अब समझ जाना। एस टी मतलब क्या, डिस्टेंस टाइम। वी टी मतलब वेलोसिटी टाइम, मैं बार बार या वेलोसिटी या फिर टाइम नहीं लिख रहा हूँ, अब समझो थोड़ा सा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, अगर रफ्तार तुम्हारा क्या है सेम है तो इस केस में कैसा बनेगा ग्राफ बताओ। इस तरह के केस में आपका ग्राफ जो है ये एकदम लीनियरली ऐसे सीधा, एकदम सीधा। क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे टाइम बढ़ा है तो डिस्टेंस बढ़ा, तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाएगा सेम, क्लियर है, फिर जा रहा है, इसलिए ऐसा आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है एकदम सीधा। जितना ये बड़ा उतना वो, जितना ये बड़ा उतना वो। तो टाइम अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो रफ्तार तो सेम ही कटेगा ना जब रेशियो लोगे तो। और स्पीड का या फिर वेलोसिटी का क्या होता है बताओ तो भाई, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। जब लेते जाओगे तो सेम ही आएगा, मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा हर बार रेशियो, तो इस तरह के जब ग्राफ बनाओगे तो एकदम सीधा जाएगा, क्लियर है, समझ गया। अगर कोई समान रफ्तार से कोई वस्तु, अगर समान रफ्तार से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है मूव कर रहा है तो इस केस में कैसा लाइन जाएगा, एस टी में एकदम स्ट्रेट, क्लियर है। अब इस केस में आओ, इसमें कैसा बनेगा, हैव यू एनी नॉलेज बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, नहीं ये फिक्स हो जाएगा क्योंकि स्पीड सेम हो गया ना। अब क्योंकि ये टाइम तुम कितनों बढ़ाते जाओ, टाइम तुम कितने बढ़ाते चले गए, ये तो तुम्हारा फिक्स हो गया ना, क्योंकि स्पीड तुम्हारा कैसा है बताओ, यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये कांस्टेंट मोशन है, क्लियर है ये चीज़, क्लियर है। टाइम कितना भी बढ़ाओ वेलोसिटी वही है, क्लियर है। इस केस में क्या हो जाएगा, नहीं यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। अरे रफ्तार तो एकदम पकड़े हुए ना, तो तुम्हारा फिर रफ्तार बढ़ कर रहा है, तुम रुक गए, रफ्तार बढ़ता या घटता है तब ना एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो इस केस में कहाँ बनेगा, इस केस में ही एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो। और नहीं समझे, यहाँ पे कर देते तुम तो फिर एक्सेलरेशन ले लेते हैं, और तुम रफ्तार पूरा कंप्लीट किए हुए उसके आगे बढ़ नहीं सकता है वो, तो इस केस में यहाँ पे जीरो, क्लियर है। और समझ में आया, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्लियर है। एक्स टी में ऐसा होगा, वी टी में ऐसा होगा, और ए टी में ऐसा होगा। चलिए ठीक है, उतार लेंगे फटाक से, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यही चीज़ अभी एक्स टी में मिला था रेस्ट वाले में, यहाँ पे किस में आ गया, ये वी टी में, समझ में आया। एक्स टी वी टी इतना हो रहा है कि कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन, इसमें भी यूनिफॉर्म मोशन को ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे क्यों आ गया जीरो, नहीं रेस्ट में नहीं है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो इसलिए जीरो पर रखे हुए हैं, क्लियर है, सिंपल सा बात है। चलो उतार लेते हैं फटाक से।